कप्तान रोहित शर्मा और शिखर धवन की ताबड़तोड़ पारी के दम पर भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप से सुपर फोर के मुकाबले में 9 विकेट के बड़े अंतर से हराया। रोहित और शिखर के बीच 210 रन की साझेदारी हुई, जो दोनों की पहली बार 200 से अधिक रन की साझेदारी पारी है। इंग्लैंड दौरे में अच्छी पारी खेलने के लिए तरस रहे धवन ने दुबई पहुँचते रन जड़ने शुरू किए। पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में उन्होंने 114 रन की शतकीय पारी खेली, जो इस टूर्नामेंट में उनका दूसरा शतक है। पहला शतक हांगकांग के खिलाफ छाड़ा था। इस मैच में धवन ने 16 चौके और 2 छक्के लगाकर अपने करियर का 15वां शतक जड़ा और इसके साथ ही कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। शिखर धवन दुनिया के एकलौते बल्लेबाज बन गए जिसने एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप में कम से कम 2 शतक लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व ओपनर सईद अनवर को भी पीछे छोड़ दिया। धवन ने 108 पारी के 15 शतक पूरे किए, जबकि अनवर ने 143 पारियों में 15 शतक पूरा किया। हालांकि उनके मुकाबला तेजी से शतक लगाने के मामले में हाशिल अमला 86 पारी और विराट कोहली 106 है। यह सलामी बल्लेबाज सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला दूसरा बाएं हाथ का बल्लेबाज बन गया है। उनके पहले सौरव गांगुली हैं।